डरा रहा है कोरोना वायरस। किसानों ने नहीं छोड़ा मैदान। 2024 में ममता देगी मोदी को चुनौती। क्रिप्टो करेंसी पर कंफ्यूजन। नमस्कार, मैं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया का वीकली प्रोग्राम न्यूज ऑफ द वीक, जिसमें चर्चा करेंगे सप्ताह की खास खबरों की। तो आइए शुरू करते हैं खास कार्यक्रम न्यूज ऑफ द वीक। कोरोना एक बार फिर डरा रहा है। देश भर में शिक्षण संस्थाएं खुलने के बाद विद्यार्थियों में जिस तरह से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, यह वाकई चिंता बढ़ाने वाली बात है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 30 दिनों में 10 बड़े राज्यों में 2400 छात्र कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इनमें से अधिकतर ऐसे छात्र हैं जो वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके थे। संक्रमित छात्रों में सबसे ज्यादा 1700 स्टूडेंट्स महाराष्ट्र के हैं। कर्नाटक में हाल ही में 182 मेडिकल विद्यार्थी कोरोना संक्रमित हुए हैं, जबकि नवंबर में ही ओडिशा में 75, राजस्थान में 20 मामले सामने आए हैं। इसी तरह अन्य राज्यों में भी विद्यार्थियों में संक्रमण के मामले सामने आए हैं। संक्रमित विद्यार्थियों के अभिभावकों ने शिक्षण संस्थाओं को फिर से बंद करने की मांग करना शुरू कर दी है। दूसरी ओर अफ्रीका में कोरोना का खतरनाक वेरिएंट B11529 सामने आया है। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में वर्गीकृत किया है तथा ओमिक्रॉन नाम दिया है। इसे बेहद संक्रामक माना जा रहा है। उधर यूरोपीय देशों में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। ब्रिटेन में रोजाना संक्रमण के 40,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। ऑस्ट्रिया, जर्मनी आदि देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पाबंदियां लगाई गई है। रूस में रोज 1,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस सप्ताह कहा था कि यूरोप दुनिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, और अगर तत्काल उपाय नहीं किए जाते तो महाद्वीप में फरवरी मार्च तक 7 लाख और लोगों की मौत हो सकती है। केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा के बावजूद किसान मैदान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। किसान एक बार फिर राजधानी दिल्ली से लगी बॉर्डरों पर डट गए हैं। अब किसानों की मांग है कि सरकार MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी दे। इस बीच 26 नवंबर को किसान आंदोलन को 1 साल हो गया है। दरअसल कृषि कानूनों पर मोदी सरकार द्वारा कदम पीछे लेने से किसानों का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। ऐसे में उन्हें लग रहा है कि MSP के मुद्दे पर भी वे सरकार को एक बार फिर झुका लेंगे। दरअसल अगले साल के पूर्वार्ध में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि 2024 में दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए यूपी को जीतना बहुत जरूरी है। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी साफ कर दिया है कि आंदोलन को खत्म करने का अभी कोई प्लान नहीं है। MSP को लेकर कानून बनाए जाने तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इन दिनों सक्रियता को देखते हुए लग रहा है कि वे 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती बन सकती है। जिस तरह ममता ने बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा के अरमानों को ठंडा किया है, उसे देखकर लगता है कि आने वाले समय में वे संपूर्ण विपक्ष की सर्वमान्य नेता के रूप में उभर सकती है। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री लुइजिनो फेलेरियो, कीर्ति आजाद, पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणव मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी, असम के दिग्गज कांग्रेस नेता सुष्मिता देव, मुकुल संगमा, कई दिग्गज नेता जिस तरह तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, उसे देखकर इस बात में कोई संशय नहीं है कि 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी बनाम ममता की जंग के रूप में लड़ा जाए। नरेंद्र मोदी सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में भारत में क्रिप्टो करेंसी पर बिल लाने जा रही है। देश में क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध की आशंका से निवेशकों में खलबली मची हुई है। हाल ही में पीएम मोदी ने भी इस बात के संकेत दिए थे कि सरकार क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगा सकती है। बताया जा रहा है कि RBI अपनी डिजिटल करेंसी जारी करने जा रही है। इसके बाद क्रिप्टो करेंसी में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, जो कि बिटकॉइन 50 लाख रुपए से ऊपर चल रहा था, अब वह 40 लाख रुपए के करीब पहुंच गया। प्रतिबंध के डर से निवेशकों ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। साथ ही कुछ निवेशक इस उम्मीद से क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा रहे हैं कि सरकार प्रतिबंध करने के बजाय इस तरह की करेंसी को रेगुलेट करेगी। अब खबरें संक्षेप में।
बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य, झारखंड और यूपी दूसरे और तीसरे स्थान पर। नीति आयोग ने जारी किया गरीबी सूचकांक। संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित संविधान दिवस कार्यक्रम का कांग्रेस समेत 15 विपक्षी दलों ने किया बहिष्कार। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने जताया दुख। मध्य प्रदेश भाजपा ने तैयार किया 2023 विधानसभा चुनाव का रोडमैप। वोट शेयर 10% बढ़ाने का लक्ष्य। दक्षिण अफ्रीका में होने वाला FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप देश में COVID-19 के नए वेरिएंट के पाए जाने के कारण स्थगित। वेब दुनिया का न्यूज ऑफ द वीक प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। वेब दुनिया के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अगले सप्ताह की सुर्खियां लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।